हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लाया हूँ फंगी, जो नीट में बहुत ज़्यादा इससे एक एक क्वेश्चन तो मतलब आता ही आता है यहाँ से। तो आज मैं इसका शॉर्ट नोट शॉर्ट टेबल लाया हूँ, जिसे आप पढ़कर मतलब एक क्वेश्चन हो जो आएगा वो इससे बाहर नहीं आएगा, कैसे मतलब कुछ भी हो जाए इससे बाहर कभी नहीं आएगा वो क्वेश्चन। तो चलो हम टाइम वेस्ट किए है ना, पढ़ते हैं फंगी। तो आप देख रहे हो फंगी को जो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन उसके बेस पर फोर टाइप्स की होती है फंगी, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज एंड ड्यूट्रोमाइसिटीज। तो आगे अपन फाइकोमाइसिटीज के बारे में पढ़ते हैं। तो इसमें जो अधिकतर क्वेश्चन आता है वो माइसीलियम से आता है। तो माइसीलियम इसका एसेप्टेट और सिनोसिटिक, सिनोसिटिक यानी मल्टी न्यूक्लियड होता है, ठीक है। स्पोर इसका एंडोजीनियसली प्रोड्यूस होता है स्पोरेंजियम में, और ये इसका एक्वेटिक हैबिट्स, डिकेइंग वुड्स और मॉइस्चर डैम्प प्लेस पे पाई जाती है। इसके एग्जांपल की ट्रिक है राम, आर से होता है राइजोपस, ए से अल्बुंगो और एम से म्यूकुर, ठीक है। देखो दोस्तों कितना सरल है। एस्कोमाइसिटिस सेक फंगाई, इसका माइसिलियम होता है ब्रांच्ड और सेप्टेट, ब्रांच्ड और सेप्टेट। फिर इसका एस्कोस्कोर जो प्रोड्यूस होता है वो एंडोजीनियसली इसके भी होता है, जिसके बाद ये मोस्टली मल्टी सेलुलर होती है और रेयरली यूनिसेलुलर होती है। इसका एग्जांपल है ईस्ट, दे आर ये स्पोरोफाइटिक होती है, डिकम्पोजर होती है। इसकी ट्रिक है पेक्कीमेन, पी से पेनिसिलियम, ए से स्पार्जिलस, सी से कैल्विसेप्स, वाई से ईस्ट, एम से मोरल्स, ए से एस्कोबोलस, एन से न्यूरोस्पोरा। आप दो अपन कंप्लीट कर चुके हैं फाइको एस्को। अब आते हैं चलो बेसिडियोमाइसिटीज पर। इसका माइसीलियम जो होता है वो ब्रांच रोड सेप्टेड होता है, ठीक है। इसका एक्सोजीनसली प्रोड्यूस होता है बेसिडियोस्पोर, ये सोइल लुक्स ट्री स्टम्स और लिंग प्लांट्स बॉडीज पे ग्रो करता है। इसकी ट्रिक है बेसम बीपी, बी ए का मतलब है बेसिडियोमाइसिटीज, एस का मतलब है स्मट और इसको उस्तलिंगी भी बोला जाता है, एम का मतलब है मशरूम एग्रीकस और बी का मतलब ब्रैकेट्स पबबॉल बोला जाता है इसको, बी का मकसद है पक्षीनिया, जो वीट रस्ट फंगस मतलब रस्ट कर देता फंगस को, बहुत बहुत ज़्यादा डिजीज फैली थी उस टाइम पे। और ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है एस्कोमाइसिटिस के, हम इसको भूल गए थे। तो मोरल्स और ट्रफल्स जो होते हैं वो इडिबल फंगे होते हैं, एडिबल फंगी होते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है नीट में। और ये जो न्यूरोस्पोरा है ये एक्सटेंसली यूजेस है बायोकेमिकल और जेनेटिक वर्क में, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है नीट में एग्जाम में। चलो दोस्त अब आखिरी ही कुछ एक ये है बची ड्यूट्रोमाइसिटीज, जिसको हम बोलते हैं इम्परफेक्ट फंगाई। इसका माइसिलियम ब्रांच और सेप्टेड होता है। इसको इम्परफेक्ट फंगाई क्यों बोलते हैं दोस्त, मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि इसका जो सेक्सुअल और वेजिटेटिव फेस है वो नॉन रहता है, इसलिए इसको ड्यूट्रोमाइसिटीज को इम्परफेक्ट फंगी बोलते हैं। ये माइसिलियम इसका ब्रांच और सेपरेट होता है, ये मिनरल रिसाइकलिंग में हेल्प करता है, ये जो अपना ड्यूट्रोमाइसिटीज है ये रिप्रोड्यूस करता है असेक्सुअल स्पोर्स ओनली, बस असेक्सुअली, नॉन एज कोनिडिया बोलते हैं उसको अपन, कॉमनली नॉन एज इम्परफेक्ट फंगाई बिकॉज ओनली द असेक्सुअल और वेजिटेटिव फेस ऑफ फंगाई आर नॉन, बस ये दोनों ही फंगाई नॉन रहता है, मतलब इनके वेजिटेटिव फेस नॉन रहता है। अब इसकी ट्रिक है केट, सी से कोलिट्रेकम, ए से अल्टानिया, टी से ट्राइकोडर। सो फ्रेंड्स लेट अस कंप्लीट दिस ओनली 5 minutes, फुल किंगडम फंगाई आर कंप्लीटेड। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक्स।